बरेली के जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने एक लड़की के पेट से 2.5 किलो का बालों का गुच्छा निकाला है। बताया जाता है कि लड़की को पेट के दर्द के साथ उल्टी आने की शिकायत थी। जिला अस्पताल में तैनात स्टाफ ने बताया कि 24 वर्षीय लड़की को पेट में दर्द होने पर अस्पताल में लाया गया था। तब डॉक्टरों ने लड़की का अल्ट्रासाउंड कराया तो उसके पेट में 2.5 किलो के कोई चीज होने की पुष्टि हुई। इसके बाद लड़की को डॉक्टरों ने अपने सुपरविजन में ले लिया। डॉक्टरों ने लड़की के परिजनों से पूछा क्या उनकी बेटी कोयला, ईंट के टुकड़े जैसा कुछ खाती है, तो परिजनों ने बताया कि इसे मुंह में बाल चबाने की आदत है। जिला अस्पताल के डॉक्टर एमपी सिंह ने अपनी टीम के साथ लड़की के पेट का ऑपरेशन किया तो लड़की के पेट से 2.5 किलो के बालों का गुच्छा निकला। डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि लड़की के पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत रहती थी। जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो पेट में कोई भारी चीज होने की पुष्टि हुई। जब ऑपरेशन हुआ तो 2.5 किलो के बालों का गुच्छा लड़की के पेट से निकला। जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर दिग्विजय सिंह, सिस्टर गीता और तनु वर्मा का विशेष योगदान रहा। आपने एक बच्ची का ऑपरेशन किया है, कितने बाल उसके पेट से निकले, क्या पूरा मामला बताइए। बाल लगभग 2 kg के अमाउंट में होंगे। उसका जो स्टमक था पूरा ही पूरा अंदर से पैक था और कुछ हिस्सा उसका हाथों की तरफ भी जा रहा था, तो जो ऊपर की आंतें होती है ड्यूटेनम होता है वो भी मतलब 1/3 ड्यूटेनम भी पैक था और आंतें पूरी कहते हैं स्टमक पूरा ही पूरा पैक था इंटरनली। किस तरीके की दिक्कत थी पेशेंट को? प्रॉब्लम जैसे पेशेंट से जब बात की हमने तो लास्ट 16 ईयर से वो मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से थी, बालों को खा रही थी, तो पिछले 1.5 साल से वो सॉलिड खाना मतलब नहीं खा पा रही थी। जब भी वो सॉलिड कुछ खाती थी उसको उल्टी होती थी, तो बस वो पानी जैसी चीज़ें ही ले पा रही थी, तो ये प्रॉब्लम थी इसकी। कितने दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ा उसे? हमने उसे टोटल 10 दिन रखा जी। अब कैसी तबीयत है उसकी? अब वो ठीक है, खा रही है, पी रही है और बाउल भी पास हो रहा उसका, काफ़ी बेटर है। जो बात कर ली जाए, क्या मिडिल क्लास से थी बच्ची जो थी? नहीं, बच्ची गांव के परिवेश से थी और किसान टाइप के लोग थे वो, और बहुत ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली से नहीं थी और काफ़ी अच्छे सीधे लोग थे जी। अच्छा, जिस तरीके से जिला अस्पताल में आई और कितना खर्चा आया होगा इस इलाज में उसके? हमारे जो क्या कहते हैं सरकारी फीस है 400 रुपये, वो लगा होगा और बाकी दवाई वगैरह सभी अपने यहाँ से मिलती है। अच्छा, परिवार ने ये बताया आपको कि इससे पहले भी उन्होंने कहीं किसी डॉक्टर को दिखाया कुछ ऐसा? नहीं, जब वो मेरे पास आए थे उनके पास कुछ कागज थे प्राइवेट, तो मैंने पूछा था तो उन्होंने दिखाया था काफ़ी जगह पर। और ये बड़ी अजीब सी बात थी कि उनको ये नहीं पता थी कि बच्ची के पेट में बाल है। डॉक्टर साहब, ये एक तरीके से उपलब्धि है, क्या मानते हैं इसे आप? हाँ, वैसे इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, किसी किसी सर्जन को ही नसीब होती है, तो समझ लीजिए इस मामले में तो हम थोड़े से वो है लकी है, बाकी ईश्वर ने थोड़ी सी मदद की हमारी। बच्ची आज ठीक ठाक है, हमको भी ठीक लग रहा है।